अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे देखने वाले जहाँ भी हैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से। और जुमा मुबारक बहुत बहुत आप लोगों को। कल रात ऐसा हुआ, सहरी में मेरी बेटी की यहाँ लग गई थी आग। वो सो रही थी, अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ था और आस पड़ोस वाले उठे होंगे तो उन्होंने देखा कहीं से आग की बदबू आ रही है। तो उन्होंने देखा फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई थी। पता चला कि मेरी बेटी की आग लग गई थी। कितना तेज़ आग लग रही थी के धुएँ, बहुत तेज़ आग लग रही थी। तो पता चला कि उनकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पर्दे वगैरह सब में आग लग चुकी हुई थी। आपको मैं वीडियो पूरी आप वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखेगी कि किस तरह से उनके घर आग लगी थी। तो अल्लाह ताला ने बस खैर रखी कि इन लोग की ज़िंदगी रखी, आमीन। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। एक माँ के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि बस सुबह कलमा पढ़ो। अल्लाह ताला ने उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। और बस लोगों ने बहुत मदद करी और अंदर आए और उनको बहुत तसल्ली दी। और मैं भी सहरी में गई, अपनी बेटी को देख के बहुत रोई मेरी बेटी को। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उन्हें बहुत हिम्मत से काम करा और अल्लाह ताला उसको भी खुश। स्पैगेटी भी हमारी बॉइल हो चुकी है, ऑयल हमने गरम करने रख दिया। चलिए सबसे पहले मैं पापड़ कर लेती हूँ। ये देखिए दूसरी दफ़ा ही मैंने पापड़ कर लिए। आलू के इसमें भी पकौड़े डाल लेती हूँ। आज टाइम ज़रा कम है और मुझे पता भी नहीं चला टाइम का, और टाइम बहुत हो चुका है, यानी कि 6:30 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी हम फ्राई कर लेंगे पकौड़ों को। और पकौड़े भी अभी हमारे दोबारा भी फ्राई हो रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए मीठे दही बड़े भी बना लिए और मिर्चे और आलू के पकौड़े और स्पाइसी स्पैगेटी मज़ेदार ये बन के रखे थे छोले वो भी हैं। और आज हमने जो शेक बनाया है वो अलग ही बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी यमी सा बना है। इसमें बर्फ़ फूटेंगे और डालेंगे पापड़। फेवरेट है सबके। चलो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हम सबको बहुत बहुत तौफीक दे और नमाज और रोज़े का पावन कर दे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें, दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह अफ्तारी में। अल्लाह हाफिज़।